इससे पहले वीडियो में मैंने यहाँ तक देखा था कि गॉड मतलब पा लेना, इसके ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाने के थे। अभी देखिए GUM गम मतलब क्या होगा। गम मतलब जैसे कि इसका हम बोल्ड कर देंगे। तो गम ग्लू जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो एक होता है चेविंग गम भी होता है, फिर उसके अलावा गम के हिसाब से हम उसको क्या कह सकते हैं। गम मतलब गोंद जैसा कहते हैं, और उसके अलावा चिपकाने को भी कह सकते हैं। मसूड़े के भी गम्स के प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो ये सारे चीजें इसमें आएंगी। तो गोंद वगैरह ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चिपकाने के लिए। तो अब गम के ऊपर अगर सेंटेंसेस बनाने रहेगा सपोज, तो गम पर कैसे बनाएंगे। गम पर सेंटेंसेस मतलब पहले बोलकर देखना है आपको डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे कि दे शेड स्टिक्स फॉर चेविंग गम्स। अब ये चेविंग गम की बात होगी, तो चेविंग गम में भी गम आता है। फिर उसके बाद में अ टूथ ब्रोकन ऑफ जस्ट अबाउट द गम, के दांत टूट गया जस्ट अबाउट द गम, मसूड़ों के थोड़ा से ऊपर। व्हेन हेल्दी द गम्स फॉर्म्स अ टाइट कॉलर अराउंड एंड बिटवीन ईच टूथ। मतलब ऐसे बहुत सारे आप इसमें गम्स के एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये हिसाब से गम का अलग स्टिक सब्सटेंस को भी कह सकते हैं। चिपकाने के लिए जो स्टिक सब्सटेंस यूज होगा उसे कहेंगे। फिर उसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं टीथ के हिसाब से, तो उसको भी गम्स कहते हैं। ये सारा गम के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है टूथ मतलब गरम। अब इसके ऊपर जैसे अगर सेंटेंसेस बनाना है तो कोल्ड ड्रिंक जैसा आता है, कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक, तो ये चीजें में आ जाएंगे। इस पर ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसको इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, सर्व द सूप हॉट, कि आप सूप कैसे सर्व कीजिए। हॉट सूप यानी कि गर्म होना चाहिए। आई रियली लाइक हॉट फूड, के गरम खाना खाना किसी को अगर पसंद है सपोज, तो क्या कह सकता है कि मुझे गरम खाना पसंद है। इट वॉज अ हॉट डे, तो दिन अगर समझ लो गर्मी ज्यादा हो रही है तो आप इट वॉज अ हॉट डे ऐसे कह सकते हैं। कोल्ड डे हॉट डे इस तरह से, इट्स हॉट इन द सन, कि सूरज में गर्मी है। अ हॉट डे इन लेट अगस्त, कि अगस्त में क्या होता है कि ज्यादा गर्म तर दिन कह दिया गया कि हॉट डे है अगस्त में, लेट अगस्त में। इट वॉज हॉट इन साइड द हॉल, कि हॉल के अंदर में जो है तो थोड़ी गर्मी है। ही हैज अ हॉट टेम्पर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑफिस इज टू हॉट, डिगिंग इज हॉट वर्क, के मतलब जैसा मिसाल के तौर पे गड्ढे खोदना वगैरह। डिग मतलब जैसे कि डिग से डिगिंग हमने देखा था, तो डिगिंग मतलब क्या था कि खोदना। तो ये क्या है कि हॉट वर्क है, इस तरह हम कह सकते हैं इसको। तो उसके बाद में योर फोर हेड फील्स हॉट, ऐसे चीजें हम हॉट सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसके सेंटेंसेस। उसके बाद में हम देखते हैं ये लिख लेना है हेड। हेड मतलब भी टोपी होगी। अब ये हैट मतलब ये टोपी यानी कि एक कैप देखे थे, कैप मतलब एक टोपी है, और हैट मतलब ये भी टोपी होती है लेकिन इंग्लिश कैप होती है।
इंग्लिश टोपी, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि जैसे कि समर वगैरह में ऐसा थोड़ा ऊंचे लेवल से जो बनी होती है टोपी, जैसे कि अगर आप उसको सर्च करके देखेंगे तो वहां पर वो आ जाएगा हैट। हेड टोपी। हाँ, हेड टोपी जो आती है अलग, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस? अ ब्लैक स्ट्रॉ हैट, ही वोर अ स्मार्ट न्यू हैट, यूजुअली वन टेक्स ऑफ वंस हैट इन चर्चेस, ऐसे वियरिंग हर साइंटिफिक साइंटिफिक हैट। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हैट आता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई जादूगर पहनते हैं, वैसी भी एक हैट होती है। फिर उसके बाद समर वगैरह में कोई पहनते हैं, तो ये सारे हैट के ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अलग अलग जो पहनने के जो चीजें होती है जो सिनोनिम में आती है हैट के, तो एक कैप हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक कैप अलग है, हेलमेट अलग होता है, हुड एक आता है, लिड मतलब ढक्कन होता है, हेड पीस भी कुछ आते हैं हेड में लगाने के। तो ऐसे कुछ चीजें आते हैं जो इसके सिमिलर होते हैं, हेड टोपी दोनों तरफ से बोल रहे थे ना सर। दोनों तरफ से बोल रहा है। तो ये रहेंगी हेड। उसके बाद में क्या रहेगा, हिस, HIS, हिस मतलब क्या रहेगा, कोई अगर जेंट्स है तो हिज मतलब उसका, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई चीज बताने के लिए, मतलब उसका, ये लगेगा जेंट्स के लिए। जैसे कि हिस न्यू बाइक, हिस पेन, हिस लैपटॉप, यानी कि जितना भी कहेंगे तो हिस कभी भी इस्तेमाल हो गया तो उसका मतलब ये हो जाएगा कोई जेंट्स के ताल्लुक से बात हो रही है। हिज न्यू बाइक, हिज न्यू कार, हिज ड्रेस इज न्यू, इस तरह से। तो वो हिसाब से हम इसको हिज का इस्तेमाल में ये ला सकते हैं। और अगर लेडीज है तो उनके लिए हम हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक शी मतलब सिर्फ वो होगा, और उसका कहने के लिए हर का इस्तेमाल करेंगे, उसका या फिर उसको भी। इसमें क्या आएगा, हिस, और उसको कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक और हिम। हिम मतलब उसको, गिव हिम मतलब उसको दो, लेकिन हर के लिए दोनों भी एक ही चीज इस्तेमाल होगी। गिव हर कह दिया जाए तो उसको दो, गिव हर, और हर पेन, हर ड्रेस यानी उसका ड्रेस। तो इसके लिए जो, यानी कि लेडीज के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ही चीज में दोनों कवर हो जाएगा, हर, इस तरह से। तो ये समझ में आया कि अगर हम जेंट्स के लिए इस्तेमाल करें तो दो अलग टर्म इस्तेमाल होंगे, हिज मतलब सिर्फ होगा कि उसका, हिज होम, हिज बाइक यानी उसका, लेकिन उसको कहने के लिए, जैसे कि टेल हर कह सकते हैं हम एक ही सेंटेंस कि उसे कहो, लेकिन टेल हिज नहीं कह सकते, टेल हिम कहना होगा आप, टेल हिम मतलब उसको टेल कहो, टेल हिम। उसको कहो टेल। हाँ, और हिज नहीं रहेगा, टेल हिज मतलब होता है उसका, यानी कि हिज बाइक, हिज पेन मतलब उसका पेन, उसकी बाइक, तो उसका के लिए ही इस्तेमाल होगा हिज, हाँ इस मतलब उसका उसका जेंट्स के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश। लेडीज के लिए इस्तेमाल कर रहे तो हर, कि हर ड्रेस, हर मोटर, हर स्कूटी, हर पेन, हर क्लास, इसके लिए भी। हाँ, लेकिन अब हम जो है तो हिम मतलब उसके लिए लगा रहे हैं, उसको कहने के लिए, टेल हिम, गिव हिम, उसे दो, इस तरह। तो अब क्या हो रहा है कि हिम मतलब क्या हो रहा है कि उसको, तो जो कि लेडीज के लिए अलग से उसका कोई टर्म अलग नहीं है, उसको हर ही इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि टेल हर। हाँ, अली हाँ ठीक तो दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल होगा, हिम और हर के लिए, और 3 लेटर वर्ड के अंदर ही आता है, हिम एंड हर, इस तरह से। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब सिर्फ उसका रहेगा और इसका उसको रहेगा, और इसका उसका या उसको दोनों के अंदर इस्तेमाल होगा लेडीज के लिए। अब इसके ऊपर आपको टेंटेंस सेंटेंसेस बनाना है, जैसे कि अभी एक मिसाल ले दी गई। हेड मतलब क्या होता है कि रक्ता, हाँ रक्ता, हाँ मतलब कोई चीज पास्ट की अगर बात हो रही है, हद नहीं, हेड है वो, हेड रखता था। हेड का मतलब होगा कि रखता था। हैव मतलब कहते हैं ना, ऐसा मिसाल के तौर पे आई हैव अ
लैपटॉप, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ न्यू बाइक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास है, तो जो चीज ऑलरेडी है के लिए इस्तेमाल आप करेंगे तो उसको क्या कह रहे हैं आप कि आई हैव, कि अभी है मौजूद, लेकिन आई हैड कि मेरे पास था, तो ये पास्ट की बात हो रही है, रखता था कोई चीज होना, कि आई हैड अ बाइक, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पुराने जमाने की बात हो रही है, कि हैड ये पास्ट के अंदर से आया है, मतलब रखता था, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको एक मरतबा लिखिए, फिर उसके ऊपर आपको सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए जाएंगे। रखता था। तो हर बार आने की जरूरत नहीं, जैसे कि ही हैड अ स्ट्रोक, कि उसको स्ट्रोक था, ही हैड आस्क्ड हर कि उसने उससे पूछा था, शी हैड देम, ही हैड अ लुक अराउंड, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दे हैड अ बैड टाइम, कि उनके पास उनका बुरा वक्त चल रहा था, यानी पुरानी बात हो रही है। तो अभी कहते हैं कि दे हैव दे आर फेसिंग बैड लक, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो अभी कैसे है, दे हैड अ बैड टाइम, कि उनका खराब वक्त चल रहा था, फिर उसी तरह से दे हैड अ हार्ड टाइम, ऐसे कह सकते हैं, दे हैड बीन ऑन टोस्ट, ही हैड द बाइक इन पीसेस, शी हैड हर बैक टू अस, शी हैड हिम बाय द आर्म। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल्स हैड के ऊपर, पास्ट टेंस के ऊपर रहेगा कि कोई चीज होने के अंदर में आएगी हैड। और जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे हम आगे देखने वाले, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले देंगे कि डेविड हैज हैड अ नाइस कार, कि उसके पास थी, हैज हैड, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब हम टेंसेस के अंदर देखने वाले हैं उसको। तो अगर ये समझ में ना आया तो उसमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई चीज थी पहले, तो पास्ट के हिसाब से आएगा हेड का मतलब। अब उसके बाद में क्या है, हेड के बाद हैज, जैसे कि अभी बताया गया हैव या हैज जो आता है, तब जो हैज के मतलब में आता है रखता है। अब जो रखता फोर लेटर वर्ड है वो हैव है, इसके लिए हम सिर्फ हैज का इस्तेमाल देख रहे हैं, रखता है रखता रखता है, ऐसे उसका मतलब निकलेगा, रखता है। एच से हाँ, एच ए एस हैज रखता है। और उसके अलावा कैसा है कि उसका हैव जो इस्तेमाल होता है वो फोर लेटर है, इसके लिए हम उसको बाद में देखने वाले। तो हैज में कैसा है कि ही हैज ग्रे हेयर, अब आई हैव इस्तेमाल होगा आई के साथ, तो हम सब टेंसेस में देखने वाले, किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा वो आगे चलकर, उसका भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हैज के बारे में चल रहा है रिलेटेड, इसलिए हम वही देख रहे हैं। तो आई वी यू दे के साथ में हैव इस्तेमाल होगा सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और जो सिंगुलर में डायरेक्टली आएगा मतलब मुखातिब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए, वो हम आगे देखने वाले, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल में जैसे कि ही शी और इट जो आता है, तो उसके साथ हैज लगता है, रखता है नहीं। अब मिसाल के तौर पे ही हैज ग्रे हेयर, कि उसके ग्रे हेयर है। ही हैज ही गॉट अ जॉब, क्या उसे जॉब मिल गई, ऐसा भी कह सकते हैं आप, यानी पा लेना कोई चीज। उसके अलावा देयर हैज टू बी अ कैच, कि कैच होना चाहिए था वहां पर, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है कि यहाँ पर कैच हो जाना चाहिए था। हैज शी हैड द बेबी येट, ही हैज हैड टू रिटर्न होम, शी हैज हर्ट हर सेल्फ, कि उसने उसको खुद को क्या किया, हर्ट कर लिया। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो शी की बात चल रही है। द फिल्म इज रियली समथिंग वन हैज टू सी, कि फिल्म में कुछ खास है कि देखने लायक है। द हाउस हैज गैस फायर्ड सेंट्रल हीटिंग, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप हैज के ऊपर बना सकते हैं। तो क्या आएगा, ही शी और इट के साथ में हैज का इस्तेमाल आएगा, कि रखता है। तो शी हैज एन ऑसम प्लान, कि उसके पास एक बहुत बढ़िया प्लान था। शी हैज एन एक्स्ट्रा पेंसिल, उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल थी। शी हैज एन एग्रीकल्चर फार्म, उसके पास एग्रीकल्चर फार्म था। ही हैज एन इंडस्ट्रियल फार्म, इंडस्ट्री है उसके पास कोई। ही हैज एन ऑरेंज, उसके पास एक ऑरेंज मौजूद है। दे हैव, अब जब दे आ जाता है जैसे प्लूरल, तो उसके साथ हैव लगता है, जो कि हम आगे टेंसेस में देखने वाले। अभी सिर्फ हैज के हिसाब से आपको क्या समझ में आया कि ही शी इट के साथ में हैज लगता है, और उसके मतलब होता है कि उसके पास वो चीज मौजूद है, जैसे कि शी हैज अ डॉग, तो उस लड़की के पास, जैसा कि शी मतलब गर्ल्स के लिए, तो शी हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। ही हैज टू सिस्टर,
कि उसके पास दो सिस्टर है, ही मतलब जेंट्स के लिए, इस तरह से। तो ही शी मतलब इट के अंदर, लड़की। हाँ तो वो लेडीज के लिए इस्तेमाल होगा शी, और ही मतलब जो है तो बॉयज के लिए, और इट मतलब गैर जानदार या बेजान है। जैसे कि गैर जानदार यानी कि जिसमें जान नहीं है, मुर्दा। मुर्दा नहीं, जैसे कि बेजान चीज, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में जान नहीं है तो इट इज अ लैपटॉप। फिर उसी तरह से इट लकड़ी। इज अ कैट, मतलब उसमें अकल नहीं है, तो गैर जानदार और गैर अकल वाले चीजों के लिए इस्तेमाल होगा लैपटॉप, इट। टैब। हाँ ये सारी चीजें मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, ऐसे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, एनिमल बर्ड्स वगैरह सब। अशरफुल मखलूक जैसे इंसान है, तो गैर अकल वाले कह दिया जाए तो ये इसमें ऐसे आ जाएगा। अभी हैस के बाद में क्या आ जाएगा? हेन, हेन मतलब है मुर्गी। इसको हम नीचे लिखेंगे, हेन, हेन का मतलब क्या आएगा? मुर्गी। जैसे कि बहुत सारे मतलब आपने सुना होगा, जैसे कि मुर्गी के लिए हेन का इस्तेमाल होता है, तो हेन के ऊपर हम कैसे बनाएंगे? हेन आई कुड हियर द हेन्स क्लकिंग इन द फार्म यार्ड। जैसे कि हेन्स क्लकिंग मतलब जो आवाज देती है हेन, मुर्गी की जो आवाज होती है तो क्लक कहते हैं उसको, क्लक। और जब वो जैसा कि टाइगर की, लायन की आवाज कैसी होती है? रोर, रोरिंग। तो उसे कहा जाता है कि मतलब शेर बब्बर ऐसे दहाड़ रहा है तो रोरिंग में आएगा, तो वैसे क्लकिंग, क्लक उसकी आवाज होती है यार हेन की। मुर्गी की आवाज है। अच्छा हाँ क्लक, तो क्लकिंग कह दिया जाएगा। अगर मुर्गी अगर पुकार रही है तो उसको क्लकिंग कहेंगे। अगर कोई कह दे कि आपको इंग्लिश में बनाओ कि मुर्गी पुकार रही है, तो कैसे बनाएंगे फिर? मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपके पास क्लकिंग वर्ड नहीं है तो आप बनाएंगे हेन। उसके अलावा आप क्या बनाएंगे? हेन इस आवाज देने को आप क्या बनाते हो आमतौर लड़ाई मेकिंग सॉन्ग? कुछ भी बना सकता था कोई भी, मेकिंग नॉइज और क्राइंग वगैरह इस तरह की। तो क्लकिंग उसका वर्ड इस्तेमाल करना है, उसमें क्लकिंग। तो हेन इज क्लकिंग। आगे हम ये चीजें के देखने अलावा वाले भी कुछ बताते। उसकी आवाज का, तो क्लक से क्लकिंग इस तरह इस्तेमाल कर लेना। तो ये क्या हो गया? हेन इज अ बर्ड, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेन इज अ बर्ड, हेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रूस्टर, कि हेन को कभी कभार रूस्टर भी कहा जाता है। तो उसका नाम क्या आएगा दूसरा? रूस्टर, अच्छा रूस्टर। और हेन इज फीमेल बर्ड, फीमेल बर्ड हेन है। हेन इज मम्मी ऑफ चिकन्स, ऐसा कह सकते हैं आप, इन मतलब मुर्गी चिकन। ना। हाँ कि मुर्गे के बच्चों को चिकन्स कहेंगे, और हेन लेस एग्स। तो इस तरह से उसके ऊपर आप पूरा एक ऐसे तैयार कर सकते हैं हेन्स के ऊपर। तो फीमेल चिकन या फीमेल बर्ड, इस तरह से उसे कहा जाएगा। फीमेल चिकन मुर्गी, हाँ फीमेल चिकन। मेल को क्या बोलूं? मेल के लिए जैसे कि अलग अलग इस्तेमाल होंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर कॉक भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज उसके अंदर आ जाएंगी, मेल के लिए जो इस्तेमाल होगा। तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्टली मेल हेन को कहा जाएगा, कॉक या रूस्टर भी उसको भी कहा जा सकते हैं, कॉक या फिर रूस्टर, अडल्ट मेल चिकन। तो वो फोर लेटर वर्ड में आए, तो रूस्टर की कैटेगरी में दोनों भी रख सकते हैं आप, फीमेल हेन को हेन, और जो चूजर रहेंगे तो उनको चिकन, ये याद रखना है चिकन। तो इस तरह से ये इस्तेमाल, और बदक रहेंगे तो उसको डक। ये चीजें मतलब आगे फोर लेटर में। और शेयर भी शेर में भी दो कैटेगरी, जैसे कि लायनेस एक रहेगा, और लायन ये बबर के लिए, और टाइगर, टाइगर के अंदर इस्तेमाल होगा। तो लायन, लायनेस, तो जो मेल और फीमेल की कैटेगरी है, जिसको हम एक मरतबा पूरे जो जानवरों के नाम रहेंगे तो उसके ऊपर हम आगे पूरा एक चैप्टर लेने वाले हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे लायन का लायनेस था, तो टाइगर को टाइग्रेस, आप फीमेल टाइगर को कह सकते हैं। टाइग्रेस फेमिनाइन वर्ड रहता है, तो ई एस डबल लगा देना। जैसे लायन का लायनेस, टाइगर का टाइग्रेस।
याद रखना, तो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी एन हम, डबल एस हाँ, टाइगर के बाद टी डबल एस वो जोड़ देना है, टाइग्रेस। लॉन का भी हो चुका। लायन का फिर लायनेस, इस तरह। तो अब हम यहाँ पर अभी हेन के बाद में, अभी 4 लेटर 6 लेटर में हम उसको आगे देखेंगे। तो इसके ऊपर आपको एक पूरा बनाना है, 10 सेंटेंसेस। उसके बाद में हिट। अब एक तो जैसे कि हिट मारना भी होता है, हिट का मतलब क्या होता है, मारना। हिट हिट मारना तो क्या हो जाएगा, हिट मतलब मारना। अब हिट के ऊपर सेंटेंसेस आपको बनाना है कि कैसे बनाएंगे आप। ही हैड हिट 25 होम रन्स, जैसे कि रन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शी वॉज हिट बाय कार, शी वॉज हिट बाय अ कार, मतलब वो, उसको एक कार ने उसको टक्कर मार दी, या फिर उसको कार से टक्कर हो गई। हिट हिट बाय अ कार, तो हिट बाय अ कार। अब वो काला हिट एक आता है मच्छर मारने के लिए जो लोगों ने बनाया, तो मारने के हिसाब से क्या आया वो, हिट स्प्रे स्प्रे टाइप। तो वो हिट एक वो रहेगा, द स्टोन हिट देम इन द फेस, के स्टोन ने उनके फेस पर हिट कर दिया। ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं हिट के लिए। शी इज मेड अ बिग हिट विथ माई सन, उसने जोर से मारा उसको, बच्चे को। टू हिट वन सेट ऑन द डोर फ्रेम, के डोर का जो फ्रेम आता है उससे जो है, तो टू हिट वन सेट, कि किसी एक के सर पर, हेड पर वो मार लगना। द ऐसा ट्रुथ कैसा डिडन, फूटना घुटना एक अलग चीज होगी, ये सिर्फ हिट हो रहा है। रूम मतलब एंड हिट द खाली वॉल, मारना, कुछ हाँ घुटना करना नहीं। हाँ फूटने करने में नहीं, सिर्फ एक मारने के हिसाब से आ रहा है। फिर वो अलग अलग उसके मीनिंग्स निकलेंगे। मैरी हिट अ होम रन ऑफ द पार्क, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉल हिट द हाउस, ऐसे इस्तेमाल। अब मतलब घर टूट गया ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट, कि बॉल हिट द हाउस, कि बॉल ने टक्कर मारी घर पर। तो ये सिर्फ मारने में इस तरह से आए। द टैंक वॉज हिट बाय एनिमी फायर, कि टैंक हिट कर दिया गया एनिमी फायर से। अब आग से तो वो दिमाग के हिसाब से, अगर टैंक रहेगा, अगर उसमें ऑयल है, तो हिट बाय एनिमी फायर, तो फायर से अगर हिट हो रहा है तो वो जलेगा ही डायरेक्ट, तो वो चीजें बाद में निकलेंगी। ही वॉज हिट बाय अ कार, कार से अगर वो हुआ तो फ्रैक्चर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी रहेगा, तो वो चीजें बाद में रहेंगी। द शिप हिट एन आइसबर्ग, कि अगर एक जहाज है वो अगर एक आइसबर्ग से टकरा गया, आइसबर्ग से, आइस बस मतलब आइसबर्ग, जैसे कि आइस का मतलब क्या होता है, कि मतलब बर्फ। तो आइसबर्ग किस तरह से होता है, जैसे कि बर्फीला देखिए, आइसबर्ग मतलब एक बर्फीला पहाड़, पहाड़ या बर्फ होगा। बर्फीला पहाड़ जो रहेगा इस तरह, तो बर्फ के पहाड़ से टकरा जाना, तो फिर वो डायरेक्टली ऐसे के क्रश नहीं हो रहा है डायरेक्ट, वो हिट मतलब सिर्फ एक मार लगना, थोड़ा जोर से लगना ऐसे। धक्का हाँ, लगना है हिटन बाय मी, इस तरह से मेरी वजह से इसको हिट हो गया, ऐसे चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं हिट के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, हिट यानी कि मारना। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हट। अब हट मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी। हट झोपड़ी, मतलब घर नहीं झोपड़ी। झोपड़ी। घर को तो क्या कहेंगे, हाउस हाउस कहेंगे, हाउस होम होम कह सकते हैं। भी कह सकते हो। हाँ, तो अलग अलग आते हैं, सब पैलेस रखते हैं कोई का, पैलेस, इसका पैलेस, तो वो महल टाइप में जो होता है, बंगलो टाइप जो बनाते हैं, बंगलो कहेंगे उसे, तो रहने की चीज अब एक अलग हो जा रही है। अब ये क्या है, हट यानी कि झोपड़ी। तो अब हट के सेंटेंसेस अगर हम देखते हैं, तो अब देखिए इसके ऊपर आपको बनाना है। हट्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेज एरियाज, के झोपड़ियाँ जो है तो फाउंड होते हैं विलेज एरियाज में। तो विलेज एरिया मतलब गांव देहात में इस्तेमाल होंगे, या फिर इन एरियाज विद लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, हट्स आर मेड अप ऑफ क्ले एंड स्ट्रॉ, कि झोपड़ियाँ जो होते हैं कभी कभार क्ले से बनाए होते हैं। क्ले मतलब क्या है, कीचड़ वगैरह में भी आता है, और क्ले मतलब मिट्टी जो आती है, एंड स्ट्रॉ, सादी मट्टी ना। हाँ सादी, सादी के अलावा वो थोड़ा कीचड़, थोड़ी चिकनी मिट्टी, यानी कि ऐसे।
हट सार ऑल्सो नोन एज कच्चा हाउस भी कहते हैं कभी कभार झोपड़ियों को, एज दे आर वेरी वीक, क्योंकि बहुत ही कमजोर होते हैं। वैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं फाइव हार्ड सिविल से सेंटेंसेस। ज्यादा मिट्टी हार्ड। हाँ, और जो है तो राजस्थान में ज्यादातर हाउसेस मेड अप ऑफ क्ले बनाते हैं, मड मड कहेंगे कीचड़ को। तो कई कई जगह पर घर ऐसे बनाएंगे जहाँ पर कीचड़ से बने हुए घर रहेंगे। तो हाउसेज मेड अप ऑफ मड असम में कीचड़ गिट्टी बैमू दोनों। पिलर से बनाएंगे, बैमू पिलर्स बांस के लकड़ियों से। तो वो हाउसेस अलग हो गए, और जो हट्स रहेंगे तो वो झोपड़ियाँ रहेंगी। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन बिल्डिंग, कम्वर्स गार्डन, टेम्पररी बिल्डिंग कह सकते हैं उसको, रिपेयर वर्क के लिए स्मॉल हाउस और शेल्टर, मेड अप ऑफ ग्रास के, घास से भी बनाया जा सकता है, मड कीचड़ से बनाया जा सकता है। ये उसकी डेफिनेशन आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं हट की। तो ये हो गया हट के बारे में। उसके बाद में हाउ, तो हाउ मतलब कैसे, कैसे इसका मतलब क्या आता है, कैसे। तो ये सवाल पूछने में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ हाउ आर यू। और उसके अलावा क्या, हाउ डू यू डू भी इस्तेमाल होता है। डू यू डू मतलब जैसे कि हम ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, कि तुम क्या करते हो, हाउ डू यू क्या। डू भी तुम कैसे हो में इस्तेमाल हो, हाउ डू यू डू कैसे हो। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। बाद में हाउ के अंदर और कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डिड दे प्ले, कि वो कैसे खेल रहे हैं, हाउ डू यू डू जैसे अभी कहे गया। फिर हाउ डे यू बी हाँ, आगे आगे भी लगा सकते हैं आपके हाउ, ये कैसे, आई डोंट लाइक हिम, हाउ कम, हाउ डिड दे प्ले, हाउ फार इज इट, कि कितना दूर है ये, हाउ इज इट स्पेल्ड, कि कैसे स्पेलिंग की गई, हाउ मच इज दिस, कि कितना है ये, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ नाइस यू लुक, हाउ मच इज दिस। अगर आप कहीं पर तरकारी की दुकान, फ्रूट की कहीं पर भी चले गए, वहां पर आप कह सकते हैं कि हाउ मच इज इट, कि क्या भाव लगाए हुए, कितने का है, ऐसे मीनिंग उसके निकलेंगे। तो हाउ मच प्राइस, इस तरह से आप हाउ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, हेलो सर, ठीक है, चलो चलो। तभी हाउ के बाद में है इन, इंक मतलब क्या होती है, इंक यानी कि मतलब एक रोशनाई, ऐसा उर्दू में कहते हैं लेकिन स्याही कह सकते हैं उसको, स्याही ऐसे लिख दीजिए। इंक मतलब स्याही वगैरह जो होती है। तो इंक बॉटल आती है, इंक पैड आता है, और क्या क्या आता है, इंक जेट प्रिंटर आ रहे हैं आजकल। गेट मी अ बॉटल ऑफ ब्लू इंक प्लीज। तो इंक की एक बॉटल, द नेम्स आर रिटन इन इंक, इंक से लिखे हुए नाम है, पेन हैज ब्लैक इंक इन इट, बॉल पेन ब्लैक इंक वाला, यानी कि द पेन हैज ब्लैक इंक इन इट, ये ब्लैक पेन है इसको आप कह सकते हो इस तरह से। उसके अलावा ही देन कॉल्ड फॉर पेन एंड इंक, कि उन्होंने पेन और एक इंक मंगवाई, ऐसे कह सकते हैं, इंक बॉटल आता है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगे इंक के लिए। नेक्स्ट है, इसके ऊपर बनाना है 10 सेंटेंसेस। इल, इल मतलब क्या होगा, बीमार। तो इल को आप कह सकते हैं बीमार। तो आई एम इल, ही इज इल, शी इज इल, मतलब वो बीमार है। शीज हिल मतलब भी बीमार। इल, आई डबल एल इल, तो आई डबल एल इल मतलब क्या होगा, बीमार। तो अब इसके अंदर आई डोंट विश हिम इल, कि मैं मतलब विश नहीं कर रहा इल होने के लिए उन्हें, ही इज बिन इल फॉर मंथ्स, कि वो मंथ्स मतलब महीनों से बीमार है, लैपटॉप चाहिए। वही है ना। हाँ, तो वो महीनों से बीमार है।